चौहान विधायक तो जो सपा का था उसने तो एकदम जीरो काम किया। विधायक जी ने बहुत ही सराहनीय कार्य किए हमारे, लाइट बिजली पानी बत्ती जो मिलता है कभी सरकार में किसी सरकार में नहीं मिला। महंगाई आई गई है, सपा की सरकार आना जरूरी हो गया है। सपा भाजपा या बसपा? नहीं सपा। पैसा दे रहा हूँ तो मैं जा तो लूंगा ना। तो सरकार से कुछ उम्मीदें नहीं है? क्या उम्मीद है, जब अपना ही कमाना है अपना ही खाना तो क्या उम्मीद रखूंगा। अच्छा, तो भाजपा में काम हुआ है? हिंदू है तो अपने हिंदुत्व को पहचानिए और हिंदुस्तान में रहिए। काशी विश्वनाथ की जटाओं से निकलकर माँ गंगा मार्कंडे महादेव को स्पर्श करते हुए सैदपुर पहुंचती हैं। ये वही सैदपुर है जो गाजीपुर और वाराणसी के बीच का संबंध है। लेकिन सैदपुर विधानसभा का कितना विकास हुआ, सैदपुर विधानसभा में कितना रोजगार आया, लोगों को कितनी नौकरियां मिली, लोगों का कितना उद्धार हुआ। गाजीपुर जनपद का सैदपुर विधानसभा गंगा किनारे बसता है। यहाँ आस्था भी है, यहाँ व्यापार भी है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि रोजगार पर व्यापार पर लोगों का क्या विचार है। विधानसभा चुनाव नजदीक है और मैं इस समय मौजूद हूँ सैदपुर तहसील में। तमाम अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद है। क्या माहौल चल रहा है सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में, किस तरह की परेशानियां हैं, कितना विकास हुआ है और विकास कितना बाकी है, किन मुद्दों पर मतदाता मतदान करेगा, तमाम लोग मौजूद बताइए। आप उपाध्यक्ष हैं कि किस? मैं उपाध्यक्ष प्रेम नारायण सिंह यादव जी जी, बारह सिंह तहसील सैदपुर जी। जहाँ तक समस्या का आपने जो प्रश्न उठाया है, शिक्षा है, चिकित्सा है और तमाम तरह की सुविधाएं, इस पर जो है ध्यान देने की जरूरत है। अभी जरूरत है, अभी पिछले पाँच सालों में नहीं हुआ कुछ? नहीं सर, पिछले पाँच सालों में जो कुछ हुआ है मैं जो उसका मूल्यांकन तो जो है अलग से करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे महंगाई है, बेरोजगारी है। गरीब आदमियों के लिए महंगाई बेरोजगारी जो उनको जो है उनका जीवन जो है दुष्कर बना दिया है। अच्छा, तो सबसे जरूरी है पहले की जो है अगर ये महंगाई कंट्रोल नहीं होता है, बच्चों को जो है रोजगार नहीं मिलता है, लोगों को जो समुचित शिक्षा नहीं मिलेगी, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिलेगी, तो ये गरीब किसानों के लिए जो है डीएपी खाद नहीं मिलेगी, यूरिया नहीं मिलेगी, बिजली के बिल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग जो है सफर कर रहे हैं उसको जो है वहन करने की स्थिति में नहीं है, वहन करने की स्थिति में नहीं है। तो आप ये बताइए, आप क्या पाँच सालों में विकास हुआ है या इस बार किसकी सत्ता किसका राज? इस साल लोगों का मन मिजाज बदल चुका है, वो लोग इस सरकार को बदलना चाहते हैं। जैसे रोटी पकती है तो उलट पुलट होता है तो रोटी सही निकलती है, अगर रोटी को एक ही तरफ छोड़ दिया जाए तो जर जाती है। ऐसे स्थिति में जनता आपस में मूड बना ली है कि सरकार जो ये कार्य कर रही है, जैसे कितने खदानों को रोक दिया, कहा कि हम इस पर छापा मार रहे हैं, एक गैर कार्य हो रहा है और एक दो खदान को अपने लोगों को देकर और इतना महंगाई बढ़ा दिए, जो 3 रुपया ट्रैक्टर बालू मिलता था आज वो बालू 14,000-15,000 ट्रैक्टर मिल रहा है, जो गिट्टी 3,000 पहले मिलती थी आज वो गिट्टी 10,000-8,000-14,000। महंगाई बढ़ गई, आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई है, तो आप, इसको देखते हुए सत्ता परिवर्तन चाहते हैं? हम लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। सत्ता मतलब आपके वर्तमान विधायक ने कार्य नहीं किया है? नहीं, वर्तमान विधायक तो जो सपा का था उसने तो एकदम जीरो काम किया। बाकी क्या करे, वो सरकार जिसके पक्ष में रहती है उसी को अधिकतर कार्य मिलते हैं, सारी योजनाएं मिलती हैं। आपको क्या लगता है आपके विधानसभा? हमारे विधायक जी ने बहुत ही सराहनीय कार्य किए हमारे यहाँ से कोरोना कार्यकाल में, और वैसे भी जितने भी हमारे यहाँ के लोग बाहर विदेशों में बसते हैं उनके लिए आने जाने की व्यवस्था, मुफ्त व्यवस्था या तिरही वगैरह, हर जगह विधायक जी के द्वारा बहुत ही ज्यादा मदद किया जाता है। गरीब बच्चों में किताब कापी हर तरह की व्यवस्था की जाती है। मैं विधायक जी से आप सहमत सहमत और आप सहमत नहीं? और लोगों से बात करते हैं, चलते हैं।
तो सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं और एक चाय समोसे की दुकान पर पहुंच गए हैं। कई लोग यहां मौजूद हैं, माहौल समझते हैं, माहौल क्या है, किसकी सत्ता होगी, किसका राज होगा, क्या लग रहा है सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में? भाई लड़ाई दोनों पार्टी का। हाँ, कौन कौन पार्टी? भाजपा और सपा। अच्छा भाई, इसमें जनता जिसको चुन ले, जनता जिसको चुन ले। तो आपके जो वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने कुछ कार्य किया है सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में? अरे का काम किए, देखिए हम लोग ये रोड है, देख लीजिए आगे जाके। अच्छा, बारिश भर जनता यहाँ तंग हो गई एकदम। अच्छा, गाड़ी घोड़ा पैदल आने जाने लायक नहीं है, पैदल आने जाने का रास्ता नहीं है। तो अभी तो वो भाजपा में चले गए? चले गए तो क्या है, काम तो वही है, उन्हीं का है ना। तो माहौल क्या है, उनको लोग जनता चुनेगी कि नहीं चुनेगी? अब जनता ही बताएगी ना, हम तो अपना बताएंगे ना कि तो जनता आपको का क्या लगता है? हमें तो कुछ नहीं लगता है कि वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे। अच्छा, क्या माहौल है बताइए विधानसभा, सैदपुर विधानसभा का माहौल? बहुत बढ़िया है भैया। हाँ, भाजपा है, बहुत अच्छा है, सकून है, लाइट, बिजली, पानी, बत्ती जो मिलता है कभी सरकार में, किसी सरकार में नहीं मिला, क्योंकि अब मिल रहा है। अच्छा। हाँ, अब जनता क्या कहे वो तो अलग की बात है। तो आपके यहाँ वर्तमान विधायक सुभाष पासी जो है, हाँ, वो सपा में थे, अब भाजपा में चले? भाजपा में चले गए। हाँ, अब ये तो वोट जानेंगे क्यों बदले हैं। हाँ, लेकिन सरकार अटकी। तो आप क्या, आपको क्या लगता है, भाजपा या सपा या बसपा? भाजपा, भाजपा चाहिए। गुंडागर्दी खत्म हुई, सबसे बढ़िया बात हुई है, गुंडागर्दी खत्म हो गई। महंगाई क्या आई है? महंगाई, हाँ, महंगाई आई गई है। हाँ, सपा की सरकार आना जरूरी हो गया है। तो आपके जो यहाँ के वर्तमान विधायक थे वो तो सपा में ही थे, अभी भाजपा में चल गए हैं, तो उन्होंने भाजपा में चले आए, लेकिन उनका तो हारना तय है। अच्छा, ये सपा का गढ़ है, सैदपुर मान ही रहे हैं आप? नहीं, वो तो आप बताएंगे। हम तो आप किसी भी से पूछ लीजिए, सपा का ही गढ़ है, हर जगह सपा का ही चर्चा चल रही है। तो आप, उन्होंने कुछ कार्य किया है कि नहीं किया है? कार तो किए मगर उतना नहीं किए, पहले से उनका भाजपा में जाने का मन था, इसलिए दो साल से मुझे लगता है भाजपा सरकार में आपके सैदपुर से होकर फोर लेन गुजर रही है, तो क्या विकास नहीं हुआ? विकास हुआ है तो, लेकिन देन किसकी है? हाँ, पास उसी समय का है, सपा सरकार जी। अच्छा। हाँ, सपा सरकार का पास है जी, जी। तो क्या लग रहा है, आप युवा है? खाली पेट में डाल हट गई ना। हाँ, बट वही जैसे लोग कहते हैं कि सपा सरकार का देन है, तो बनाए क्यों नहीं, साल पाँच साल मजा तो लिए, बनाए क्यों नहीं, उन्हीं के लोग उन्हीं को खा गए। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप युवा हैं, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए क्या सपा, भाजपा या बसपा? नहीं, सपा। सपा? तो अभी तो आपके विधायक सपा में ही थे, वो भाजपा में चले गए, उनका मर्जी है, जिसमें जाए उनका विचार जो करे जाने के लिए। यहाँ और भी कई लोग हैं समोसे का स्वाद लेते हुए, अच्छा लग रहा है समोसा? देखिए बढ़िया बनाते हैं समोसा। पैसा दे रहा है तो मजा तो लूंगा ना। हाँ, आओ यार, पैसा दे रहे हैं तो मजा लेंगे भैया। तो ये बताइए कि आप जो एमपी में जो चुनाव हुआ था, लेकिन जो पार्टी जो नेता भाग गए थे, बीजेपी में शामिल हो गए, कांग्रेस के थे, लेकिन वहाँ की जनता कांग्रेस को देख के थी न कि नेता को देखते थे। जब नेता बीजेपी में शामिल हो गए तो सरकार गिरना नहीं चाहिए, वोटिंग कराना चाहिए, क्योंकि जनता तो कांग्रेस को देख के वोट दी है, यहाँ यहाँ पे एक जनता तो सपा को देखिए वोट देती है। आपको क्या लगता है, सपा, भाजपा या बसपा? लगता है मुझे कुछ नहीं लगता। कुछ नहीं लगता? तो आपको सरकार से कुछ उम्मीदें नहीं है? क्या उम्मीद है, जब अपना ही कमाना है, अपना ही खाना, तो क्या उम्मीद रखूंगे? अच्छा, कई सारे ऐसे भी लोग कह रहे हैं सरकार से क्या उम्मीद है, जब अपना ही खाना है। बनारस से आते हैं? अच्छा, आप बनारस से यहाँ पे? कैसे? जी हाँ, बनारस से मेरा दुकान है। अच्छा, नोटो बेटी का। अच्छा, तो क्या लग रहा है, आप यहाँ व्यापारी हैं, तो पिछले पाँच सालों में, जबकि यहाँ के वर्तमान विधायक तो लगातार 10 सालों से हैं, तो क्या कुछ काम हुआ है? काम तो अच्छा हुआ है भाजपा राज में। अच्छा, भाजपा राज में काम अच्छा हुआ है, यही सड़क थी भैया। तो क्या लग रहा है, यहाँ की जनता किसको चुनेगी, सपा को चुनेगी, भाजपा को चुनेगी, बसपा को चुनेगी या किसी और को? नहीं, ज्यादा विशेषता है कि भाजपा को और सपा को, दोनों का यहाँ लड़ाई है। अच्छा, देखिए कौन सी जनता यहाँ से कौन जीत जाना होता है। आपको क्या लगता है बताइए सर? केवल योगी जी, केवल भाजपा। तो भाजपा में काम हुआ है? हिंदू है तो अपने हिंदुत्व को पहचानिए और हिंदुस्तान में रहिए और हिंदुत्व को जानिए। तो चुनाव इस बार हिंदुत्व पे होगा? एकदम हिंदुत्व होगा, हिंदुत्व पे चुनाव होगा। तो एकदम होना है, होना है। तो सुभाष पासी ने भाजपा में जाके सही किया या गलत किया? तो अपना जगह देख के सही किया, हम सही जगह गए हैं। अच्छा, तो क्या लगता है, इस विधानसभा क्षेत्र से कौन, किसकी दावेदारी मजबूत है?
भाजपा की दावेदारी सबसे मजबूत है, भाजपा की दावेदारी सबसे मजबूत है। भैया सपा सरकार में यहाँ के पांच लोग जो है मिनिस्टर थे, सपा में पांच मिनिस्टर गाजीपुर के थे। यही सड़क थी, इतना कमर से ज्यादा गड्ढा था, लोग रोड इसी से आते जाते थे, कभी कुछ नहीं हुआ। भाजपा आई की मैंने एकदम ऐसा बना की चला जीवन जीवन भर चले। अच्छा, जीवन भर चले। और भी कई लोग मौजूद है यहाँ पे, देखिए गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े बन रहे हैं यहाँ पर, और इस ब्रेड पकौड़े का स्वाद हम भी लेंगे और यहाँ मौजूद जनता तो ले ही रही है। आप यहाँ के स्थानीय हैं, यही के रहने वाले हैं? जी, यही के रहने वाले हैं। तो क्या माहौल क्या चल रहा है यहाँ का चुनाव को लेकर? बढ़िया माहौल चल रहा है। कौन मजबूत लग रहा है? भाजपा मजबूत लग रही है। आप व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, तो क्या भाजपा सरकार में आपको फायदा हुआ है? अबे बोलो ना, फायदा भी नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं हुआ, बताइए। फायदा है, नुकसानी है? नुकसानी है नहीं, फायदा है। फायदा है तो भाजपा आपको मजबूत लग रही है। तो आपके जो वर्तमान विधायक हैं वो तो सपा में थे और अब भाजपा में चले गए हैं, तो क्या लग रहा है, वो उन्होंने सही किया? अपने हिसाब से सही किए। अच्छा, फायदा होगा यहाँ सैदपुर विधानसभा क्षेत्र को? होना तो चाहिए, होना चाहिए। आप भी कुछ बोल रहे थे, बताइए क्या बोल? हम बोल रहे थे, बोल दिए, जो बोलना था बोल दिए। नहीं नहीं, आप उनको पीछे से कुछ डायरेक्शन दे रहे हैं? उससे उनको नहीं समझ में आता, बोलना चाहिए उनको। अच्छा, उनको बोलना चाहिए कि क्या बोलना चाहिए था? कि योगी जी सही है कि अखिलेश जी सही है? आपको क्या लगता है कौन सा? हमें लगता है कि योगी जी सही है। योगी जी सही है, काम हुआ है, काम हुआ है। भाजपा को गुंडा कर दे जो है खत्म। भाजपा सरकार में 30,000 के लैपटॉप पे फोटो नहीं अच्छी लगती थी, आज वो 10 रुपए के नंबर पे अपनी फोटो लगवा के करा रहे। उस समय ऐतराज कर रहे थे 30,000 के लैपटॉप पे, लैपटॉप बात नहीं फोटो लगवा रहे हैं, आज वो 10 रुपए के नंबर पे अपना बात के प्रचार कर रहे हैं, अब ऐतराज नहीं है। आप कह रहे हैं, आप ये बताइए, आप युवा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या नुकसान हुआ है? आप नुकसान हुआ, हम लोग को रोजगार नहीं मिला, कुछ देख रहे हैं। अच्छा। सब हो रहा है, अभी टेट का पेपर हुआ, लीक हो गया। टेट का आप देखो क्या होता है आगे, लीक होता है कि होता है, देख ही रहे हैं आप। तो सपा सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपको? उम्मीद है बहुत है, आने दीजिए सरकार। सरकार आने दीजिए, उम्मीद बहुत है। और कई सारे लोग हैं, देखिए एक महोदय यहाँ पर है, बात नहीं करना चाह रहे हैं, वो जा रहे हैं। इनकी भावनाएं वहाँ पर नजर आएंगी जब परिणाम आएगा। आप देखते रहिए एबीटी न्यूज़, मैं हूँ अभिनंदन, धन्यवाद।